ब्लैक और क्या बॉडी कलर, सब कुछ तो ब्लैक है, डार्क एडिशन है। यहाँ पे आपको बैज मिल जाता है उसका, और ये जो है मेरा सबसे फेवरेट वोकल फॉर लोकल, इसमें टोटल आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो यार एनवीएस लेवल पहले से काफी ज्यादा कंट्रोल है। वाइब्रेशन देखिए, वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। और 18.7 का इसमें आपको एवरेज दिख रहा है, मतलब इसमें आपको इन बिल्ट एयर प्योरीफायर भी मिल रहा है, बिल्कुल डायनामिक गाइडलाइंस के साथ में मिल जाता है। काफी बढ़िया चीज है ये, परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा यार। सनरूफ की ओपनिंग देखिए यार, ये देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट। कॉम्पैक्ट एसयूवी में जो फेवरेट जो बैक सीट अगर मुझे बोली जाए ना, तो वो है टाटा नेक्सॉन की पूरी छत जो है वो भी ब्लैक करी हुई है। अब BS6 फेस 2 का बिल्कुल रेडी हो गई है टाटा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन घुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा नेक्सॉन। अब ये जो है टाटा नेक्सॉन का पर्टिकुलर XZ प्लस S वेरियंट है यार, डार्क एडिशन के साथ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैशटैग डार्क का स्टिकर लगा हुआ है यार। जो रोड प्रेजेंस इस कलर में आती है ना यार, जो डार्क एडिशन में नेक्सॉन का जो रोड प्रेजेंस आता है, काफी ज्यादा ये अट्रैक्टिव लगती है, आप देख सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए जो कॉम्पैक्ट एसयूवी में अगर देखें हम, तो नेक्सॉन की एक अलग ही लेवल है, क्योंकि यार जो सेफ्टी रेटिंग इसको मिली हुई है 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग है इसको ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट से, मतलब ये एक सेफ कार है और साथ में एक एज लेके चलती है, क्योंकि इसके जो सेफ्टी रेटिंग्स है ना एकदम टॉप नॉच है। तो ये हो गया, आज हम बात करेंगे टाटा नेक्सॉन के XZ प्लस S वेरिएंट के बारे में। डार्क एडिशन है, इंटीरियर और एक्सटीरियर सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आपका टाटा नेक्सॉन लेने का प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये जो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारी चीज़ें जो है डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स शोरूम प्राइस की बात करें इसकी, तो ये 11,54,000 में आपको एक्स शोरूम आ जाती है, और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये 13,45,000 में आपको ऑन रोड आ जाती है। और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है, और इस वक्त हम सुनील ऑटोमोटिव टाटा शोरूम बालाघाट में। तो ये जो है इसका न्यू शोरूम है, इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और यार मैं एक चीज बोलना चाहूंगा अपने फ्रेंड्स को, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो यार आप सब्सक्राइब करने में? सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वॉक अराउंड से। फ्रंट प्रोफाइल हम सबसे पहले देख लेते हैं, बहुत ही यार मस्त लग रही है, ब्लैक कलर में तो एकदम मजा ही आ रहा है इसमें। तो चलिए अब वन बाय वन सारी चीजें हम देख लेते हैं। सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, पूरी की पूरी जो ब्लैक आपको बॉडी है बिल्कुल ग्लॉस कर रही है, काफी बढ़िया देखने में लगता है। हेडलैम्प्स की अगर बात करें तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं लो बीम के लिए, हाई बीम के लिए आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाता है। DRL आपको यहाँ मिल रहे हैं, और साथ में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टर्न सिग्नल्स, मतलब बाय फंक्शनल ये काम कर रहे हैं। नीचे अगर हम आते हैं तो आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। तो ये हो गया, तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कुछ ऐसे लुक्स आते हैं टाटा नेक्सॉन के फ्रंट प्रोफाइल से। अब साइड प्रोफाइल की तरफ अब जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसके व्हील्स हैं ये भी पूरे के पूरे ब्लैक आउट किए हुए हैं, जो अलॉय व्हील्स है वो भी पूरा ब्लैक आउट किया हुआ है। टायर की प्रोफाइल की बात करें तो 215/60R16, मतलब 16 इंच के इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। और देख सकते हैं आप यार ये जो अलॉय है ना काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहे हैं इसमें, ब्लैक एडिशन है और साथ में ये जो पूरा अलॉय है पूरा ब्लैक किया हुआ है। अब देख सकते हैं फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक। तो ये जो है इसका ब्रेकिंग का सेटअप है, आप देख सकते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले जो पूरे कैरेक्टरिस्टिक है आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लैडिंग मिल जाएगी और साथ में इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो तो यार बिल्कुल क्लास लीडिंग है। कितना है, 209 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, काफी ज्यादा कैपेबल ये कार हो जाती है। तो चलिए अब डायमेंशन की बात हो रही है तो वही सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इसकी अगर ओवरऑल लेंथ की बात करें तो ये 3993 mm इसकी ओवरऑल लेंथ है। विड्थ की अगर बात करें तो 1811 mm इसकी ओवरऑल विड्थ है। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता दिया। व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको 2498 mm का व्हील बेस मिल जाता है। इंटीरियर स्पेस काफी बढ़िया आपको मिलता है और कंफर्ट जो है ना वो भी काफी बढ़िया मिलता है, वो भी अभी हम अंदर जाके चेक करते हैं। अब ORVM की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये तो यार ब्लैक और क्या बॉडी कलर, सब कुछ तो ब्लैक है, डार्क एडिशन है। यहाँ पे आपको बैज मिल जाता है उसका, और ORVM में अगर देखें तो आपको टर्न सिग्नल इंटीग्रेट किए हुए हैं। अब ये जो ORVM है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल दोनों का ऑप्शन आपको मिल जाता है। साइड मोल्डिंग जो है ये एसेसरीज का पार्ट है, और साथ में जो रेन वाइजर है वो भी एसेसरीज का ही पार्ट है। डोर हैंडल्स में देखिए तो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, मतलब कीलेस एंट्री का इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब ओवरऑल अगर देखें तो साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसे लुक्स आते हैं टाटा नेक्सॉन के डार्क एडिशन के। अब रियर प्रोफाइल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि टॉप साइड में आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और रियर डिफॉगर और वाइपर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो है मेरा सबसे फेवरेट वोकल फॉर लोकल, तो ये हो गया। अब टेल लैंप्स की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं ये पूरा LED सेटअप है, ऑलवेज ऑन मोड में ये रहता है, और टर्न सिग्नल्स और रिवर्स पार्किंग लैंप आपको यहाँ मिल जाते हैं जो कि हेलोजन है। अब सेंटर में अगर आते हैं तो टाटा का लोगो, नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है, वो भी यार डार्क में दी हुई है, आप देख सकते हैं मतलब पूरे की पूरी जो थीम है उसका कितना ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। आपको रियर व्यू कैमरा मिल जाता है। सेंसर्स की अगर बात करें तो
टू पॉइंट्स आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और ये जो क्रोम की ये देख रहे हैं आप, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। अब ओवरऑल देख सकते हैं कुछ ऐसे लुक्स आते हैं टाटा नेक्सॉन के रियर प्रोफाइल से। ये देख सकते हैं आप, दो आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। अब एक रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ मिल जाता है बूट ओपन करने के लिए। अब बूट को ओपन करके देख लेते हैं, टॉप मॉडल है इसमें, आपको देख सकते हैं पार्सल ट्रे भी मिल जाता है और ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। अब बूट स्पेस कितना है, 350 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। लोडिंग लिप ज़्यादा नहीं है और इसके नीचे आपको मिल जाता है स्पेयर टायर। उसके अगर सेक्शन की बात करें तो 195/80R16 मतलब फुल साइज़ का आपको स्टील रिम मिल जाता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ अगर देखें तो आपको बूट लाइट भी मिल जाती है और दो इस साइड हुक मिल रहे हैं और दो इस साइड, मतलब टोटल चार हुक मिल जाते हैं आपको 3 kg के लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ में, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और ये देखिए यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया है यार। यहाँ से आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, टायर मोबिलिटी किट भी आपको मिल जाती है, तो इसमें आपको एक इन्फ्लेटर भी मिलता है, तो इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो चलिए ये सब हो गया, यहाँ पे आपको क्लैडिंग मिल जाती है और यहाँ से इसको कर देते हैं बंद, ये हो गया। अब साइड प्रोफाइल में हम आते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फ्यूल फिलर कैप दिया हुआ है। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। माइलेज की अगर बात करें तो इसमें आपको लगभग 17.5 का माइलेज मिल जाता है ARI क्लेम्ड। अब यार इससे ज़्यादा कहीं माइलेज जो है ना इसके ओनर्स निकाल लेते हैं, पेट्रोल वेरिएंट है ये, और इससे ज़्यादा कहीं माइलेज आपको अभी जो MID है उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और आपको कितना माइलेज मिलता है यार, प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो डार्क एडिशन है, आपको इसका जो रोड प्रेजेंस है वो कैसा लग रहा है, वो भी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये हो गया। अब इंटीरियर में हम देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर होती है। डोर पैनल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ब्लैक, यार थीम तो इतनी बढ़िया तरीके से इसमें मैच करी हुई है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अब डोर पैनल की बात करें तो आपको पावर विंडो के बटन्स मिल जाते हैं, यहाँ थोड़ा स्पेस मिल जाता है नीचे बॉटल होल्डर और थोड़ा स्पेस, और यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है और नीचे स्पीकर का ग्रिल। अब स्पीकर्स कितने हैं इसमें, टोटल आपको 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं, 4 ट्विटर्स और 4 स्पीकर, ये इसके साउंड का सेटअप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट्स जो है पूरी की पूरी लेदर फिनिश में, काफ़ी बढ़िया सीट है यार, कुशन काफ़ी बढ़िया और काफ़ी वाइड सीट आपको मिल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है मैनुअली, हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं एडजस्टेबल, और यहाँ पे भी आपको हैशटैग डार्क मिल जाता है। आप देख सकते हैं अगर आपको दिख पा रहा होगा तो थोड़ा रिफ्लेक्शन है, तो आपको दोनों जो सीट है ना उसमें हैशटैग डार्क मिल जाता है। अब अंदर बैठ के हम देख लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर हो जाती है और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं टाटा नेक्सॉन के एग्जेक्ट प्लस एस वेरिएंट में। तो ये जो है टॉप वेरिएंट है, उसके साथ में ये जो है पेट्रोल वर्जन है, तो इसमें हम देख लेते हैं आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो दरवाजे को कर देते हैं हम बंद, शोर हो जाएगा थोड़ा कम, ये हो गया। अब यहाँ से TT को कर देते हैं बंद। अब सबसे पहले अगर स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो लेदर रैप किया हुआ है और देख सकते हैं आप यार इसकी जो फिनिश है ना काफ़ी बढ़िया लग रही है होल्ड करने में। ये देखिए डी कट शेप में दिया हुआ है। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करें तो आपको लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल्स टेलीफोनिक के और राइट साइड में आपको मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के सारे कंट्रोल्स। तो ये हो गया सेंटर में टाटा का लोगो। अब इसके अगर एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो टिल्ट दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता। पेट्रोल वेरिएंट है, 3-सिलेंडर इंजन है। इसका जो NVH लेवल है वो हम देख लेते हैं कि आपको कैसा मिलता है। पुश स्टार्ट स्टॉप की बटन यहाँ पे मिल जाती है आपको, इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यार NVH लेवल पहले से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। कोल्ड स्टार्ट है, आप देख सकते हैं RPM इसके कितने ज़्यादा हैं, तो कोल्ड स्टार्ट है, फिर भी जो है ना इसका वाइब्रेशन देखिए, वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। BS6 फेज 2 में यही फ़ायदा है यार, ये जो टाटा की जो कार्स है ना इतने ज़्यादा साइलेंट हो गई है। पहले जो प्रॉब्लम्स होती थी ना, सब लोग बोलते थे, बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि 3-सिलेंडर इंजन है NVH लेवल का इशू है, अब वो बिल्कुल नहीं रहा। AC को हम कर लेते हैं यहाँ से ऑन, और यार एकदम भर्राटेदार AC चालू हो गया है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। AC की कूलिंग जो है ना यार वो भी काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाती है टाटा नेक्सॉन के अंदर। तो चलिए अब लेफ्ट साइड में अगर देखें स्टेयरिंग व्हील की तो आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, अब ये जो है रेन सेंसिंग वाइपर है। और राइट साइड में अगर देखें तो आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं और ये भी जो है ऑटो हेडलैम्प्स का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में टैकोमीटर मिल जाता है, सेंटर में MID और राइट साइड में फ्यूल गेज और टेम्परेचर गेज आपको ऊपर मिल जाता है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे जो फीचर्स है, आपको TPMS भी दिख रहा है और नीचे अगर देखें तो एवरेज दिखा रहा है। अब एवरेज देखिए, ट्रिप है 175 की और 18.7 का इसमें आपको एवरेज दिख रहा है, तो काफ़ी बढ़िया यार, इसमें आपको एवरेज भी देखने को मिल जाएगा। दिख पा रहा है आपको, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, कंसिडर करिएगा। तो 18.7 का है, अभी 6 हो गया, तो ये हो गया ट्रिप, ये ट्रिप भी
रेंज दिखा रहा है, ओडोमीटर दिखा रहा है, तो ये सारे जो फीचर्स है आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो ये हो गया। अब सेंटर कंसोल की बात करें और डैशबोर्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं यार पूरा का पूरा ब्लैक थीम में दिया हुआ है। सेंटर में आप देखिए आपको 7 इंच का फ्लोटिंग स्टाइल में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। ये जो है हरमन पावर्ड है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, हाँ ये आ गया, तो हरमन पावर्ड है। इसके अगर देखें हम रिस्पांस की तो काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है और साथ में आप देख सकते हैं AQI, मतलब इसमें आपको इन बिल्ट एयर प्योरीफायर भी मिल रहा है। काफ़ी बढ़िया चीज़ है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यार इसमें, अगर देखेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नीचे AC के वेंट्स, नीचे अगर देखें तो नेक्सॉन की बैजिंग, उसके नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है और यहाँ अगर देखें तो आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है और साइड में आपको मिल जाता है USB कनेक्टिविटी, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसकी जो चाबी है मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों आपको रिमोट की मिल जाती है। यहाँ लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और बूट अनलॉक करने का ऑप्शन ये मिल जाता है। और पीछे आपको टाटा की ब्रांडिंग, तो ये हो गया। अब पीछे साइड हम आते हैं तो आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स मिल जाता है। तो इसकी जो रिवर्स कैमरे की क्वालिटी है वो हम देख लेते हैं। इसको आप पुल करके और ऐसे आपको एंगेज करना पड़ता है, तो आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी आपको क्लियर मिल जाती है। और ये जो है बिल्कुल डायनामिक गाइडलाइंस के साथ में मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। तो चलिए इसको हम करते हैं न्यूट्रल। उसके पीछे हम आते हैं तो आपको मिल जाता है, देख सकते हैं आप, ड्राइव मोड्स का बटन। अब इसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है यार, ये देख सकते हैं सिटी, इको और स्पोर्ट्स, तीन मोड्स आपको मिल जाते हैं। जैसा परफॉर्मेंस आपको चाहिए इस इंजन से आप इससे ले सकते हैं। टर्बो चार्जर इसमें लगा हुआ है, परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा यार। और आपको अगर माइलेज चाहिए तो आप देख सकते हैं माइलेज भी इसमें आपको मिल जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग आप ये सेट कर सकते हैं। पीछे आपको हैंडब्रेक मिल जाता है और ये देख सकते हैं आप आर्म रेस्ट भी मिल जाता है सॉफ्ट टच के साथ में। और अंदर अगर देखें तो स्पेस देखिए आप, कितना बढ़िया आपको स्पेस मिल रहा है, ये हो गया। अब ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको बटन मिल जाता है, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में दिया, और अंदर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजर भी मिल जाता है। ऑर्गेनाइजर मतलब आपको बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे रख सकते हैं। अंदर आपको लाइट भी मिल जाती है और ये जो है कूल ग्लव बॉक्स है, आप देख सकते हैं काफी बड़ा है यार, बहुत डीप दिया हुआ है। अब टॉप साइड में अगर देखें तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर मिल जाता है, सेंटर में आपको IRVM मिल जाता है जो आप डे एंड नाइट एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली, कैबिन लाइट मिल जाती है जो कि LED है। ये जो है मैं आपको आप दिखाता हूँ अभी, जो है ये सनरूफ आपका फेवरेट जो फीचर है इसको देखते हैं। आपको माइक मिल जाता है यहाँ पे और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। अब चलिए बात कर लेते हैं सनरूफ की, तो यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब इसको मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखिए सनरूफ जो है ओपन हो जाएगा। सनरूफ की ओपनिंग देखिए यार, काफ़ी वाइड आपको सनरूफ मिल जाता है। और इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपका जो सनरूफ है वो क्लोज़ हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और जो ब्लाइंड है उसको आपको मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो मुझे लगता है अब जो फ्रंट की सारी चीज़ें हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। अब कुछ मिस डाउट हो गया होगा तो यार प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना। नीचे अगर देखें तो आपको 3 पेडल्स मिल जाते हैं ABC पैटर्न में। अब इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड ये आपके डुअल एयरबैग हो गए, साथ में इसमें आपको मिल जाता है ABS EBD विद ब्रेक असिस्ट और साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। और जो न्यू RD नॉर्म्स आ गए BS6 फेज 2 के, वो भी सारे जो सेफ्टी फीचर्स है आपको देखने को मिल जाएंगे नेक्सॉन के अंदर। वो क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट और TPMS, ये देखिए आप सामने। अब इसको अगर आपको चेक करना है तो इसको मैं जैसे ही मैं बंद करता हूँ एक बार, तो आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा ना तो आपको जो इंडिकेशन है वो दिखाएंगे। ये देखिए ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ये जो इंडिकेशन है ना, ये जो सिम्बॉल्स हैं, ये जो सेफ्टी फीचर्स हैं ना न्यू, उसके आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसको करते हैं बंद। अब देख लेते हैं जो रियर सीट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है और कम्फर्ट कितना मिल जाता है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए सीट को मैं पहले अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ और चलते हैं हम पीछे वाली सीट में। चलिए ये हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई है, अब चलते हैं पीछे वाली सीट में, वहाँ आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है वो देख लेते हैं। डोर पैनल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पावर विंडो का बटन आपको मिल जाता है, नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर का ग्रिल। अब सीट की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं पूरी लेदर अपोजिटी है, कुशन काफ़ी बढ़िया है और अंदर बैठ के भी हम देखते हैं। और आप देख सकते हैं जो हेडरेस्ट है वो भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। अब ये जो है 60-40 स्प्लिट सीट के साथ में आती है और अंदर हम बैठ के देख लेते हैं आपको कितना स्पेस मिल जाता है और क्या क्या जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है रियर सीट में। अब हम आ गए हैं रियर सीट में, कम्फर्ट देखिए, अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है और पीछे की सीट का जो कुशन और कंफर्ट है ना यार काफ़ी बढ़िया मुझे लगता है नेक्सॉन का। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉम्पैक्ट SUV में जो फेवरेट जो बैक सीट अगर मुझे बोली जाए ना तो वो है टाटा नेक्सॉन की। लेग रूम आप देखिए कितना बढ़िया मुझे लेग रूम मिल रहा है यहाँ तक है यार। और अगर लेग रूम की बात करें तो नीचे देखिए आप लेग स्पेस भी कितना बढ़िया मिल रहा है। सेंटर में आपको माइनर सा हम्प मिल जाता है और देख सकते हैं रियर AC वेंट्स भी मिल जाते हैं आपको। अब सीट्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं सीट काफ़ी वाइड है, 3 पैसेंजर इसमें इजीली बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कंफर्ट लेवल जो है ना यार रियर सीट का काफ़ी बढ़िया आपको
मिल जाएगा टाटा नेक्सॉन के अंदर। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सनरूफ ऐसा कुछ दिया हुआ है, पूरी की पूरी छत जो है वो भी ब्लैक करी हुई है, एक एक चीज़ जो है, एक एक डिटेलिंग जो है पूरी की पूरी ब्लैक करी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं स्मार्ट जो छोटी छोटी चीज़ें, ये देखिए हुक मिल जाते हैं, और ये जो है ये भी आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं, आपके जो सीट बेल्ट से वो मिल जाते हैं। अब रियर सीट से फ्रंट डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है टाटा नेक्सॉन के एग्जेट प्लस एस वेरिएंट का, डार्क एडिशन है ये, और देख सकते हैं इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है। तो चलिए मुझे लगता है रियर सीट की सारी चीज़ें हमने देख ली है, अब चलते हैं इसके इंजन को हम देख लेते हैं उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है न्यू। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और देख लेते हैं इसका इंजन भी ओपन करके। अब इसका अगर इंजन भी आपको ओपन करना है तो यहाँ पे आपको एक स्विच मिल जाता है, इसको आप जैसे पुल करेंगे तो आपका इंजन भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से वो देख लेते हैं। तो ये है टाटा नेक्सॉन का 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। अब इसके अगर पावर की बात करें तो इसमें आपको लगभग 118 bhp का पावर मिल जाता है और साथ में 170 nm का टॉर्क, तो पावर काफ़ी बढ़िया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टर्बोचार्जर भी मिल जाता है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आपको इस इंजन का काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। NVH लेवल जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गए हैं, वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, फिर भी आपको एक्स्ट्रा इंसुलेशन मिल जाता है NVH लेवल कंट्रोल करने के लिए। ABS EVD की आपको यहाँ पर यूनिट मिल जाती है। अब BS6 फेज 2 का बिल्कुल रेडी हो गई है टाटा, और साथ में जो माइलेज है मैंने आपको MID में दिखाया है 18.5 के ऊपर का माइलेज इसमें आपको दिख रहा है, इससे ज़्यादा का ही माइलेज इसमें आपको मिल जाता है। तो देखा आपने टाटा नेक्सॉन एग्जेट प्लस एस जो वेरिएंट है इसमें जो डार्क एडिशन है उसमें कितने बढ़िया आपको फीचर्स मिल जाते हैं, साथ में अगर इंटीरियर कंफर्ट और ओवरऑल अगर इसके फीचर्स की बात करें तो काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया आपको इसमें मिल जाता है। तो चलिए इसकी जो प्राइसिंग है वो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। तो इसके अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये आपको 11,54,000 में ये एक्स शोरूम आ जाती है, और इसके अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग आपको 13,45,000 में ऑन रोड आ जाती है, और ये जो प्राइसिंग है बालाघाट सिटी मध्य प्रदेश की है। तो चलिए कैसी लगी ये कार प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा हो, कार अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, जय हिंद।